इधर यूपी के शाहजहांपुर में धरने पर बैठी गैंगरेप पीड़िता ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा और उनका बेटा केस दबाने के लिए दबाव बना रहे। पीड़िता ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी पीड़िता को अनफानन में अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर धरना खत्म करा दिया था। वहीं सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही है। मामला 2011 का बताया जा रहा है। मुख्यालय से हम धरना देने के बाद हम यहाँ पे शाम 7 बजे आए तो उन्होंने डराया, धमकाया और धमकी जान से मारने की धमकी भी दी और ये कहा है कि राजीनामा ले लो नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। विधायक मौजूदा हालत में है, पहले इसमें कार्रवाई नहीं हो पाएगी और इन्हें पहले तो जेल भेजा जाए, इसके बाद में जो है हमारी जांच निकलवाई जाए तभी हो पाएगा, वरना नहीं इसमें कुछ हो पाएगा।